हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल रोड पर दो लड़कों को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रोका और पीछे बैठे लड़के के हेलमेट नहीं होने की बात पर उसका चालान बनाया। उसके बाद लड़के से रुपए के लेन देन की बात हुई और मामला 220 रुपए पे तय हुआ। लड़के ने पैसे खुले करवाने की बात कही और अपने दोस्त को वीडियो बनाने का इशारा किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा रुपए लेने का वीडियो बन गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किसी ने बताया कि लेन देन का वीडियो बन गया है, जिस पर उन्होंने पीछा कर गाड़ी सीज की और चालक के साथ दुर्व्यवहार किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश निवासी राहुल धाकड़ और उसका मित्र नवीन मंगलवार सुबह DM अस्पताल जा रहे थे। राहुल का कहना है कि अस्पताल से थोड़े पहले चौराहे पर तैनात यातायात के पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बाइक पर बैठे मित्र नवीन के हेलमेट नहीं होने की बात पर हमें रोका और चालान बनाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने गाड़ी छोड़ने के बदले में रुपए की मांग की। फिर उन्होंने उससे कागज में लपेट कर 220 रुपए ले लिए और गाड़ी छोड़ दी। इसका वीडियो उसके मित्र ने बनाया। इसकी भनक लगने पर उन्होंने पीछा करते हुए बाइक सीज कर मोबाइल भी ले लिया, साथ ही मारपीट भी की गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गलत है, वर्दी का गलत फॉर्म उठा रहे हो आप। वर्दी तुमने पहन रखी है, लूट रहे हो आप। 220 रुपए दिए मैंने आपको, 220 रुपए दिए मैंने। इन्होंने ऊपर में कूड़ा जाके 220 रुपए ला के दो। MP का रहने वाला हूँ मैं। राजस्थान का रहता नहीं तो अभी तक की नौकरी खा जाता मैं। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।